इंडिया के सबसे बड़े चैनल वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, मैं आचार्य ओपी गुप्ता आप सभी सकारात्मक सोच वाले विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ सुरक्षित एवं सहकुशल होंगे। राधे राधे कृष्ण। मित्रों, जय श्री कृष्ण। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। देखिए मित्रों, आपके सामने आज दिखाई दे रहा है सबसे मुख्य बात लेके आया हूँ मित्रों आपके लिए। सबसे जरूरत की मैंने आपकी टेंशन देखी है, इसलिए कुछ विशेष लेके आने का सोचा मित्रों यहाँ पे कि सबसे पहले तो मित्रों संस्कृत ज्यारत टारगेट बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। मित्रों चल रहा है अपना बैच, एक बैच विशेष और लेके आ रहा हूँ संस्कृत ज्यारत, संस्कृत ज्यारत टारगेट बैच लेके आ रहा हूँ मित्रों। संस्कृत ज्यारत टारगेट बैच 2020 आपका बैच लेके आ रहा हूँ धमाका। एक तो है कि 20 दिनों में ज्यारत कैसे क्लियर करें मित्रों, इस जानकारी के लिए 20 दिनों का क्रेश कोर्स लेके उपलब्ध हो रहा हूँ आपके सामने जल्दी ही। वैसे आपके एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, जैसे एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी यानी प्लस कोर्स की प्रक्रिया जैसे ही पूरी हो जाती है आपका ये कोर्स, इसके लिए आपको प्लस कोर्स ही ज्वाइन करना पड़ेगा। यानी कि इसके लिए आपको केवल प्लस कोर्स ही ज्वाइन करना है। ये जो 20 दिनों का क्रेश कोर्स लेके आ रहा हूँ ये प्लस पे लेके आ रहा हूँ मैं, बाकी वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट जो अभी ये चैनल आपका चल रहा है उसमें और स्पेशल क्लासेज में यहाँ पे आपके लिए विशेष क्वेश्चंस कराता रहूँगा। लेकिन अपन जो पूरा टारगेट की बात कर रहे हैं, जो पूरा टारगेट की बात कर रहे हैं कि हमारा जो 16 सितंबर से एग्जाम जो है, जो 16 सितंबर को हमारा एग्जाम है, जो एग्जाम डेट आई है उसके अनुसार हम तैयारी करने के लिए कि 20 दिनों में 10 के, इसके लिए मैंने वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट जो इंडिया का भी चैनल है जिसमें अपन पढ़ा रहा हूँ अभी जो चल रहा है अपना ये वाला चैनल, इसी में मैंने ये पूरी वीडियो बना रखी है, वहाँ पे जा करके इसको पूरा देखिए मतलब, ठीक है ना। बाकी मैं पूरा बता देता हूँ आपको। अब आता है एक बार कि ज्वाइन कैसे करना है इस कोर्स को, तो देख लीजिए मित्रों, अर्जुन स्टूडेंट्स को इस पर क्लास का पता नहीं वो भी, तो मित्रों प्लस कोर्स ज्वाइन करने के लिए क्या करना है आपको, क्योंकि प्लस कोर्स ये बनेगा मित्रों, सीधी सी बात है, जब ये बन रहा है, जब ये बनेगा जब ही ये स्टार्ट होगा, और इसको मैंने एक डेट तय कर दी बुधवार से प्रारंभ करने का है, इसको बुधवार से प्रारंभ करने का है, मेरा नया बैच बुधवार से प्रारंभ करने का है इसको। तो आप आज और कल दो दिन आपके पास में है, बिल्कुल विशेष कर कोशिश करें कि आज में ही ये डिसाइड करें आप, आज ही प्लस कोर्स के लिए ले, क्योंकि प्लस कोर्स होगा जब ही वहाँ पे मैं तुरंत सूचना भेजूंगा कि बुधवार से स्टार्ट करना है कोर्स, मैंने भेज दिया है। तो ऐसे भी बुधवार का टाइम उन्होंने दिया, मंगलवार बुधवार के लिए बोला है, तो बुधवार रखूंगा मैं, तो बुधवार से स्टार्ट करना है, तो आज ही प्लस कोर्स ज्वाइन कर लेना मित्रों, जिनको भी करना है। 20 दिनों का क्रेश कोर्स है, मैं जब ही स्टार्ट करूंगा ये ध्यान के, जब यहाँ पे एक बैच बन जाएगा तो क्रेश कोर्स का एक बैच बन जाएगा जब मैं स्टार्ट करूंगा, नहीं तो जो आपका दिसंबर वाला टारगेट चल रहा है वही बैच चलेगा, बिल्कुल उसी बैच का चलेगा, फिर वही यूनिट लेके आऊँगा मैं, बिल्कुल वहाँ पे 30 यूनिट दर्शन की बताई थी, चौथी यूनिट जो दर्शन की बताई थी, तीसरा बैच दर्शन का है वही लेकर के आऊँगा बुधवार से, बिल्कुल बुधवार से वो स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो बुधवार से ये स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बुधवार से बैच स्टार्ट होगा, नया बैच बुधवार से स्टार्ट होगा, बस सीधी सी बात बुधवार से, ठीक है मित्रों। इसके लिए क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट योर गोल दिया जाएगा, ध्यान को, यहाँ पे आपको सेलेक्ट योर गोल दिया जाएगा मित्रों, ध्यान रखना है सेलेक्ट योर गोल दिया जाएगा,
यहाँ पे आपको सेलेक्ट योर गोल दिया जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, यहाँ पे सेलेक्ट योर गोल आएगा। इस सेलेक्ट योर गोल में आपको NTA UGC नेट, ध्यान रखना आपका गोल है NTA UGC नेट, गलती मत कर देना कोई, हाँ जी NTA UGC नेट ये आपका गोल है, इसको सेलेक्ट करना। देखो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, लॉगिन के लिए आपको आपका ईमेल आईडी हो या आपका मोबाइल नंबर वो डालने पर OTP आएगा, फिर उसको आगे बढ़ सकते। यहाँ पे आपका NTA UGC नेट लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन आएगा, इसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे NTA UGC नेट सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ आएगा, इसमें 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीने का है, लेकिन आपका टारगेट केवल है 12 महीने का टारगेट है, केवल 12 महीने वाला लेना है, जो कि आपका 10,000 के लगभग आएगा, 12 महीने का लेना है, जो कि आपका 10,000 के लगभग का कोर्स आएगा। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि इसमें 3 एग्जाम की तैयारी आप मान के चलो, एक तो आपकी 16 सितंबर वाली तैयारी है, एक तो 16 सितंबर वाली तैयारी आपकी 2020 वाली, इसके अलावा आपकी जो दिसंबर में जो एग्जाम होने वाली 2020 की, उसकी ये दिसंबर वाली, हो सकता है जनवरी में भी एग्जाम हो जाए, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। तो दिसंबर जनवरी होगी तो एक ये हो गई, दूसरी आपकी हो गई, और तीसरी, क्योंकि आपका टारगेट, देखो मित्रों आपका टारगेट एक ही होना चाहिए, ओनली JRF, या तो JRF होना चाहिए या कॉलेज व्याख्याता होना चाहिए, JRF या कॉलेज व्याख्याता आपका ये टारगेट होना चाहिए, और आपको ये पूरी तैयारी नेट JRF की तैयारी करनी है, क्योंकि लगभग 90% कोर्स कॉलेज व्याख्याता में नेट JRF का हो सकता है, यहाँ पे पूरी सहायता आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो नेट JRF को आपका पूरा का पूरा कंप्लीट JRF वाला सिलेबस करवाया जाएगा। इसके अलावा आपकी आती है ये वाला कि आप एक जून वाला 2021 का एग्जाम भी आप JRF के लिए दे सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए JRF यदि यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ मित्रों, मान लो 2 बार में क्लियर नहीं हुआ तो तीसरा चांस, लेकिन आप 2021 का साल कॉलेज व्याख्याता के लिए माने कि मैं कॉलेज व्याख्याता बन रहा हूँ, इसलिए इस कोर्स का 90% पार्ट यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब क्लियर। इसके बाद में आता है मित्रों, यहाँ पे एंटर रेफर कोड पूछा जाएगा, इस एंटर रेफर कोड में आपको ऑफिसर 10 बना, ध्यान रखना आपको ऑफिसर 10 है, इसको अप्लाई करना है, ऑफिसर 10 को अप्लाई करना है, ध्यान रखिए ऑफिसर 10 आपको अप्लाई करना है इसको, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% की इसमें क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी, ठीक मित्रों। हाँ जी, राधे राधे। यहाँ पे आपको देखो वही दिख रहा है ऑफिसर 10, जैसे ऑफिसर 10 करोगे आपकी फीस में आ जाएगा, जैसे मान लीजिए उदाहरण यहाँ पे मान लो 10,500 थी, ये पुरानी फीस, नई फीस आपकी ये, तो आपको क्या करना, सीधा सा आ गया, एक तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना पहली बात तो ये, दूसरा आया ये कोर्स आपके लगभग 10,000 का पड़ेगा, लगभग 10,000 के लगभग का है, तीसरी बात आप इसको किस्तों में ले लो, यदि आपके पास में पैसे नहीं है तो इसको किस्तों में ले लो, 12 महीने की ले लो, 12 किस्तें बना लो, लगभग करीब 800 रुपये के लगभग की किस्त पड़ेगी, 800 रुपये की लगभग, बिल्कुल 800 रुपये के लगभग की एक किस्त पड़ेगी प्रति माह, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, EMI को अपने लो, पेमेंट क्रेडिट डेबिट कार्ड से, EMI से, मोबाइल नेट बैंकिंग से कर सकते हो। और देखो बेनिफिट क्या है मित्रों, बेनिफिट क्या है, प्लस का एक ही है कि आपका JRF क्लियर करना है, ठीक है, आपको नेट क्लियर करना है, आपका JRF क्लियर करना है, और सबसे मेन है जो आपका कॉलेज व्याख्याता होता है, जो आप कॉलेज व्याख्याता का बता रहे हो, तो उस कॉलेज व्याख्याता में ये जो नेट JRF का सिलेबस है ये लगभग 90% के लगभग मिलता है, तो ये आपकी यहाँ पे हेल्प कर देगा, कॉलेज व्याख्याता में पूरी हेल्प कर देगा आपकी। मल्टीपल कोर्सेज के, संस्कृत की बात कर रहा हूँ मैं, केवल संस्कृत सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, केवल संस्कृत सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, 90% राजस्थान GK का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, राजस्थान GK की कोई तैयारी नहीं होती, क्योंकि कहीं पे भी नहीं आता, यहाँ पे फर्स्ट नेट JRF के फर्स्ट पेपर में नहीं आता, तो यहाँ पे आपको एक देखो तो कि दोनों पेपर की तैयारी होगी मित्रों,
मूल बात है कि दोनों पेपर की तैयारी होगी मात्र 10,000 रुपये में, 10,000 रुपये में आपकी दोनों पेपर की तैयारी हो जाएगी। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मित्रों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, तो 10,000 में पूरी तैयारी हो जाएगी दोनों पेपर की, ठीक है। फर्स्ट पेपर पूरी टीम पढ़ाती है, सेकंड पेपर संस्कृत वाला पर जो आपका पेपर है उसको स्वयं हम पढ़ाएंगे, ठीक है मित्रों, बिल्कुल स्वयं पढ़ाएंगे। डाउट सेशन होता है मित्रों, 3 दिन में डाउट सेशन है, तो यहाँ पे डाउट सेशन को हमने 3 दिन में जोड़ करके, और होगा 3 दिन में होता है लेकिन हमने सब्जेक्ट के साथ नहीं जोड़ दिया, तो डाउट सेशन होता है। PDF के द्वारा नोट्स मिलते हैं, एक एक स्टूडेंट से संबंध पिछले साल के जो पेपर है उनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, संभावित प्रश्न भी क्विज होती है और होमवर्क, तो ऑफिस से 10 लगावे वो 10% का डिस्काउंट प्राप्त करें मित्रों, ठीक है। तो ये तो मेरी बात थी, अब आती है बात स्पेशल तरीके से किस तरीके से, तो सीधी इन पूरी जानकारी के लिए आप लोग जो भी स्टूडेंट है पूरी वीडियो के लिए इनको और देख सकते हो, इनको और देख सकते हो पूरी वीडियो के लिए, ये मैंने कुछ बना रखी है इनको पूरी को देखने में, बिल्कुल एक मैंने बना रखी है ये आपकी, बिल्कुल ये वाली मैंने बनाई थी संस्कृत GRF टारगेट वाली, एक ये है, इसके बाद में आप ये वाला, बहुत सारे स्टूडेंट हैं कोई BA के बाद वाला है तो इसके भी, इसके अलावा GRF धमाका 2020 ये भी मैंने बना रखी है, इसको भी आप देख लेवे। वाईफाई स्टडी पे पूरी संस्कृत कॉलेज व्याख्याता की, कॉलेज व्याख्याता कैसे बने, क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन दे सकता है, ये भी आपकी वाईफाई स्टडी पे है। इसके अलावा एक मैंने ये बना रखी है कि GRF पहली बार में GRF कौन क्लियर कर सकता है, इसको भी आप देख सकते हैं। और सबसे मुख्य इसमें, इस वाली वीडियो को पूरी को देखे, इसमें संस्कृत GRF का पूरा डिटेल से मैंने बता रखा है, ठीक है मित्रों, ये भी बता रखा है यहाँ पे, अब देख लीजिए। और विशेष बात और मैं क्लियर कर दूँ, आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख रखा है, आप लोगों ने ये अच्छी तरीके से देख रखा है मित्रों, आज ये आप लोगों ने एक अच्छी तरीके से देख रखा है। क्या डिफरेंस बता दूँ कैसे क्या है, कि फ्री वाली जो अभी क्लासेज चल रही है मित्रों, जो फ्री वाली क्लास चल रही है, टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ मैं, फ्री वाली क्लासेज चल रही है उसमें लगभग मान के चलो आपका 20% सिलेबस होगा, इसमें 20% सिलेबस होगा, लेकिन अभी यहाँ पर कोई क्लास नहीं, केवल एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके आया हूँ, बस केवल महत्वपूर्ण श्रृंखलों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं श्रृंखला लेके आया हूँ, बस महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेके आया हूँ केवल मैं यहाँ पे, और यदि डिटेल से अपन चलेंगे तो 20% सिलेबस होगा, ठीक मित्रों। प्लस कोर्स है यहाँ पे, तो प्लस कोर्स के लिए मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया है मित्रों, कि यदि बैच बन जाता है तो आपका बुधवार से नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, बुधवार से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, बाकी नया बैच प्रारंभ हो रहा है, बुधवार से नया बैच प्रारंभ हो रहा है, तो बुधवार कब हो गया, 24 हो गया, तो 26 अगस्त से नया बैच प्रारंभ कर रहा हूँ मैं, 26 अगस्त से नया बैच प्रारंभ कर रहा हूँ। टाइमिंग स्टूडेंट से पूछ करके डिसाइड कर लेंगे अपन, ठीक है मित्रों, इवनिंग में टाइमिंग रहेगा, वही टाइम रहेगा, 8 से 9 वाला है तो उसी को देखते हैं। अब क्रैश कोर्स का बैच बन गया तो ये लगभग 2-3 घंटे की क्लासेज का आएगा, बाकी जो भी हो टाइमिंग का स्टूडेंट से पूछ के देखते भी होगा, टाइम कर लेंगे एक बार, ठीक है मित्रों। तो मैंने पूरी चर्चा कर दिया, ऑफिसर मेरा कोड है, और बाकी पूरी पुरानी वीडियो में सब कुछ मैंने डाल रखा है, वहाँ पे आराम से देखिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कैसे क्या करना है, ठीक मित्रों। वो आज ही प्लस ले लेवे, ध्यान को आज ही ज्वाइन कर लेवे, लेकिन आज ही ज्वाइन कर लेवे बिल्कुल, ताकि बुधवार से पूरा बैच स्टार्ट हो जाए, ठीक मित्रों। तो एक बार राधे राधे बोल दो मित्रों, अब आगे चलते हैं अपन, किस प्रकार से क्या रणनीति करनी है, ठीक मित्रों। देखिए अब मैं लेके आया हूँ आज यहाँ पे, अब आपके लिए आवाज आ रही है, एक बार बता दो मेरे को आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है ना, नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण मित्रों, एक बात आपको बता दूं, नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है ना, इसके कारण मैंने इस क्लास को रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, केवल नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आजकल में 1-2 दिन में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ताकि भरपूर क्लास लेंगे, बिल्कुल 1 घंटे की पूरी क्लास लेंगे, ज़्यादा भी होगी तो संभव ज़्यादा भी कर लेंगे, ठीक है हाँ। और 4 से 5 में मैंने संस्कृत व्याकरण का बैच चलाया है, कि स्पेशल बेसिक के लिए, जो एक मॉर्निंग में चलता है सुबह 7 से 8
वहाँ पे आप ले ले तो चलता हूँ मैं संस्कृत ब्रह्मास्त्र मंथन के नाम से मैं लेके आया हूँ आपका मंथन लेके आया हूँ। ये प्रश्न तो आते ही है, ये प्रश्न तो आते ही है मित्रों, क्लियर। तो इसके ऊपर चर्चा अपन करेंगे, पॉइंट्स के रूप में मैं चर्चा करूंगा। मैं सोच रहा हूं कि हाँ पॉइंट्स के रूप में चर्चा करने वाला हूं मैं यहाँ पे आप, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखें आप लोग। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर वैदिक साहित्य से स्टार्ट करने वाला हूँ, आपको वैदिक साहित्य से संबंधित लेने वाला हूँ, फिर एक एक देख लेंगे कैसे क्या करने वाले हैं। वैदिक साहित्य को लेकर के आज अपन उपस्थित हुए मित्रों, बिल्कुल। तो वैदिक साहित्य से संबंधित अपन चर्चा करेंगे और आगे बढ़ते हैं, ठीक है मित्रों, बिल्कुल। तो महत्वपूर्ण प्रश्न में लेके महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। क्यों, मैं सोच रहा हूँ कि यदि मैं चार यदि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेंगा, मैं एमसीक्यू लेंगा, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, क्वेश्चन कम होंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके पास में मैट्रिक्स ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाऊँ, ताकि आपके पास में पेपर से संबंधित मैटर बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है मित्रों। उनको याद कर लेना, फिर टाइम मिलेगा तो ऑब्जेक्टिव फिर देख लेंगे, क्लियर। तो वैदिक साहित्य से संबंधित चर्चा मैं कर रहा हूँ, देखिए। इधर देख लीजिए, वैदिक साहित्य, आचार्य सायन के अनुसार आचार्य सायन के अनुसार वेद की परिभाषा आचार्य सायन के अनुसार वेद की परिभाषा है मित्रों, अपौरुषेयम वाक्यम वेद है, अपौरुषेयम वाक्यम वेद है, ना अपौरुषेयम वाक्यम वेद है। पूरे वेस्ट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिखवा रहा हूं, ऋक् का विषय, ऋक् का विषय, ऋक् का विषय शास्त्र, ऋक् का विषय शास्त्र, यजुस यजु का विषय, इज्ञा इज्ञा का मतलब होता है यज्ञ कर, साम का विषय साम का विषय
स्तुति स्तोम और अथर्व का विषय, अथर्व का विषय प्रायश्चित, अथर्व का विषय प्रायश्चित। यहां से प्रश्न जरूर आता है, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा कि ऋग का विषय यजु। सबसे पहले आचार्य सायन के अनुसार वेद की परिभाषा तो है पुरुषम वाक्यम वेद है, परिभाषा पूछ लेते हैं प्रभु। ऋग का विषय शस्त्र है, यजुष का विषय इज्जा इज्जा का होता है यज्ञ कर्म, साम का विषय स्तुति स्तोम और अथर्व का विषय प्रायश्चित। ऋग्वेद का प्रारंभिक, ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि सूक्त से, अग्नि सूक्त से ऋग्वेद का अंत संज्ञान सूक्त से, संज्ञान सूक्त से, संज्ञान सूक्त से। ऋग्वेद के होता, ऋग्वेद के ऋत्विक होता, नेक्स्ट ऋग्वेद के होता ऋत्विक है मित्रों, ऋग्वेद की साकल शाखा उपलब्ध है, ऋग्वेद की उपलब्ध शाखा, ऋग्वेद की उपलब्ध शाखा साकल शाखा साकल शाखा उपलब्ध मित्रों, ऋग्वेद के पदपाठकार, ऋग्वेद के पदपाठकार साकल्य, ऋग्वेद के पदपाठकार साकल्य ऋग्वेद के पदपाठकार है साकल्य। मित्रों ये आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, बिल्कुल एक दो दिन की समस्या है बिल्कुल। अब क्या करें, बोल के तो पहले गए थे लेकिन क्या करें, विश्वास में रह गए तो इसलिए समस्या आ गई बिल्कुल जी, इसलिए समस्या आ गई आपके लिए। नेक्स्ट विशेष विशेष प्रश्न है उनके लिए ध्यान रखिए आप लोग। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ठीक है आयुर्वेद, आयुर्वेद के प्रवर्तक, आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी, धन्वंतरी
आयुर्वेद के प्रवर्तक धनवंतरी। अब जैसे जैसे मैं आपको इधर देखो कैसे मूल्यांकन होगा, ये मैं आपको नोट्स भी तैयार करवा रहा हूँ और आपका टेस्ट भी हो रहा है। ध्यान रखे मित्रों, ये आपका टेस्ट भी हो रहा है। आपको पता है इस तरीके से मैं आपको पॉइंट्स के रूप में करा रहा हूँ, मैं आपका मूल्यांकन करना चाहता हूँ। और आपको मैंने पहले भी बताया था मित्रों कि आप विकल्प के अनुसार, आप विकल्प के अनुसार कभी भी प्रश्नों के उत्तर देने में नहीं रहो, विकल्प के अनुसार प्रश्न देने के पक्ष में मत रहो, आपको डायरेक्ट आना चाहिए, क्योंकि जो मैंने आपको तैयारी करवाई है उस तैयारी के अनुसार आपको डायरेक्ट आंसर देना पड़ेगा। और मित्रों आपको एक अच्छी तरह बात बता दूं कि मैंने आपको विशेष बात बताई थी, ध्यान हो तो, आपको मैंने विशेष बात बताई थी कि एक ही बात ध्यान रखना इसकी कि जो 25 इधर ध्यान रखना, एक ही चीज़ को पर ध्यान रखना कि 25 वर्षों का अनुभव क्या होता है। आप लोगों को पता है कि 25 वर्षों का अनुभव क्या होता है, आप लोगों ने 25 वर्षों का अनुभव, तो ये 25 वर्षों का अनुभव क्या होता है ये आप लोगों ने अच्छी प्रकार से देख लिया कि 25 वर्षों का अनुभव क्या होता है। और एक फ्रेशर्स क्या होते हैं, दोनों में आप लोगों ने अच्छी तरह देख लिया होगा, इस बात को अच्छी तरह समझ लिया होगा कि क्या फर्क होता है कि एक अनुभवी, एक अनुभवी, ठीक है मित्रों, एक अनुभवी और एक फ्रेशर में क्या अंतर होता है, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ इसमें, और एक स्लाइड लगा करके संस्कृत का अध्यापन करवाना क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना क्या होता है, एग्जाम में क्या आएगा वो पढ़ाना क्या होता है, इसका अंतर आप अच्छी तरीके से लगा चुके होंगे कि स्लाइड लगा करके रीडिंग लगाना। ओ भाई ये मुख्य सूत्र को भी आपको बता दो ये सूत्र है, उसके बाद में कुछ भी रामायण कर दो, ये भी होता है, 5 है 10 सूत्र लिख दिए भाई, ये सूत्र भी इससे संबंधित है, ये भी होता गुणा, ये होता रीडिंग लगाने से क्या होता है आपके पूछेंगे, नहीं पूछते कभी भी पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपसे जो पूछ रहे हो डायरेक्ट पूछ रहे हैं कौन सी संज्ञा आएगी, कैसे आएगी, वैदिक साहित्य क्या आएगा, संस्कृत साहित्य में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, भाषा विज्ञान में क्या आएगा, सांख्यिकी में क्या आएगा, वैदिक साहित्य में क्या आएगा, काव्य प्रकाश में क्या आएगा, कैसे क्या करना है वह होता है। मित्रों देखो, रैंक में ज्यादा आना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, ठीक है ना, रैंक में ज्यादा आना, जल्दी आना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। यदि मान लीजिए मैं भी किसी बहुत बड़े चैनल से जुड़ गया, बहुत बड़े चैनल से जुड़ गया और मेरे को लाखों स्टूडेंट जानने लग गए, मैं बहुत बड़े चैनल से जुड़ गया और मेरे को लाखों स्टूडेंट जानने लग गए, तो मित्रों वो स्टूडेंट मैं जो भी कुछ पढ़ाऊंगा वो मेरी वीडियो जरूर देखेंगे ना, वो मेरी क्लास जरूर देखेंगे। तो रैंक में पहले आना बाद में आना इससे कोई कुछ नहीं, किसी माध्यम से आप पढ़ा रहे हो, आपको लाखों स्टूडेंट उस माध्यम से जानते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं, वो आप प्रत्यक्ष में देख चुके मेरी क्लासेज में क्या है, और अन्य यूट्यूब चैनल्स में ऐप वालों के अन्य जो विशेषज्ञ पढ़ाते हैं, चाहे आप अनुभवी विशेषज्ञ को भी देखते हो, अनुभवहीन को भी देखते हो, अब एक कॉलेज के प्रोफेसर को भी देखते हो, एक फ्रेशर आपका साथी होता है उसको भी देखते हो, स्लाइड आपके भी पास में नोट्स बनाए हुए, आप भी फोटो खींच करके स्लाइड लगा दो, रीडिंग लगा दो, जो आपके काम की चीज नहीं है उसकी कितनी भी रामायण सुना दो, उनसे कुछ नहीं होगा। टू द पॉइंट्स क्या बात कर रहे हैं, रख के देख लो, दोनों सेम टॉपिक को रख के देख लो, किसी भी यूट्यूब में, किसी भी ऑफलाइन में, किसी भी आपके गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं उनमें देख लो क्या अंतर है, ठीक मित्रों, तो इसका ध्यान रखे। हाँ देखिए, क्योंकि आप अनएकेडमी का प्लस कोर्स ज्वाइन कर रखे, जिन्होंने भी प्लस कोर्स ज्वाइन कर रखा है वो अनएकेडमी के जितने भी विशेषज्ञ पढ़ाते हैं उन सभी विशेषज्ञों की आप क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। हाँ तो ये नहीं है, ओ अरे मैं वाईफाई स्टडी नया चैनल चला है,
अभी स्टूडेंट्स कम जानते हैं, ठीक है, तो नए चैनल किसी चैनल से जुड़ करके और आप आपके लाखों उस ऐप के लाखों स्टूडेंट आपको जानने लगे हैं, तो कोई पढ़ा दो सबको जानना है, चैनल के माध्यम से कोई पढ़ा तो सब जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अपना तो वो आप डिफरेंस देखिए केवल, ठीक है ना, और उसके अनुसार आप और किसके सानिध्य में आप तैयारी करना चाहते हो कि आपके एक साथी के बारे साथ में आपका जो साथी है जिसका उनका तो है एग्जाम क्लियर हो गया और आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मतलब आप ही का एक साथी है, तो आपके साथी का मार्गदर्शन चाहते हो या एक 25 वर्षों के अनुभवी नेट जेआरएफ कॉलेज व्या क्या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दुनिया भर की जितनी भी एग्जाम्स होती है उनको पढ़ाने का अनुभव और हजारों स्टूडेंटों को सिलेक्शन देने का अनुभव, ये आपको तय करना है कि मेरे सानिध्य में तैयारी करनी है या उनके साथ में जो आपके ही साथी है, ठीक है। वाक्पटुता किसी में भी हो सकती है, वाक्पटुता से कुछ नहीं होता, एग्जाम में तरीका, तो वह आप देखिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी इसमें आए हो, प्रतीक्षा है, श्याम सिंह जी है, जो भी सुजाता आदि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एक बार विचार करें, जो भी उपदेश आदि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो संपर्क कर रहे हैं मेरे, तो वो अपने आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, मेरा प्लस कोर्स लगाना है क्या लगाना। मेरी वीडियो 200 क्लास है वाईफाई स्टडी में, 200 क्लास है जो मैं लिख लिख करके आपको पढ़ाता हूँ, जैसे ऑफलाइन की तैयारी कराता हूँ वैसे मैं तैयारी कराता हूँ, तो एक बार विचार करके फिर प्लस कोर्स। और मित्रों जो प्लस कोर्स चला रहा हूँ एक मिनट देख लीजिए, जो आपको प्लस कोर्स मैंने बताया 25 दिन का जो प्लस कोर्स मैंने बताया है, ये प्लस कोर्स ध्यान रखे बुधवार से स्टार्ट होगा, यदि बैच बन गया तो क्रैश कोर्स 20 दिन का चलाऊंगा, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ, नहीं तो जैसा चल रहा है वही दर्शन की इकाई आपके लेके आऊँगा, जैसा आपका चल रहा है उस पर टाइम और बढ़ा दूंगा, क्योंकि आप लोग टाइम की मेरे को रिक्वायर कर रहे थे, ऐसे टाइम अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि एक घंटा तो स्पेशल का देंगे आप पूरा, तो नेटवर्क की समस्या खत्म हो गई, और एक घंटा आपको यहाँ पे वाईफाई स्टडी पर मैं दूंगा, एक घंटा प्लस में, तो रोजाना 3 घंटे पढ़ाऊंगा मैं, और टाइम कम पड़ गया तो और ज़्यादा बढ़ा दूंगा टाइम, ठीक है मित्रों, क्योंकि मेरा संकल्प जो है वो पता है, बस जेआरएफ क्लियर करवाना है सभी स्टूडेंट का, ऐसा संकल्प लेकर के मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो एक बार जरूर सोचे, और सभी वीडियो में पिछली में मैंने आप लोगों को सबको बता रखा, ठीक है, अच्छी तरह देखे वीडियो को, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो आगे देखिए, हाँ मैं एक बात कर रहा था, अभी बात में कर रहा था कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इधर देखो, तो ये जो आपका मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ये प्रश्न तो आते ही वैदिक साहित्य मैंने स्टार्ट किया, तो ये ध्यान करो ये टेस्ट रूपी क्या है, ये टेस्ट देखो क्या है, ये टेस्ट रूपी एक लाइन के प्रश्न है, टेस्ट रूपी एक लाइन प्रश्न है ये टेस्ट रूपी एक लाइन प्रश्न है, टेस्ट वाली पता है आपको, अच्छी तरीके से देख लो, मैंने आपसे प्रश्न दिया, पॉइंट दिया कि आचार्य साइन, देखो मित्रों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं प्लस कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, अब प्लस कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा ग्रुप आए तो ही मैं करूँ, यदि मान लीजिए एक दो स्टूडेंट आते हैं तो 20 दिन का क्रेश कोर्स नहीं है, प्लस पे जैसे चल रहा है दिसंबर का बैच वैसा ही चलाऊंगा, वहाँ पे कुछ नहीं, केवल वाईफाई स्टडी, यूजीसी नेट ये जो अभी चैनल चल रहा है और अन अकेडमी जो स्पेशल क्लास चल रही है वहाँ पे मैं आपको 20 सितंबर के अकॉर्डिंग तैयारी कराऊंगा, ताकि 20 सितंबर की भी तैयारी हो जाए, लेकिन आप जानते हो कितनी सी तैयारी हो पाती, 20 दिन में यहाँ पे कितनी तैयारी होगी वो आप देख, ठीक है। जिनको पैसों से मोह पैसे करे, और जिनको जेआरएफ क्लियर करके कॉलेज व्याख्याता बनना है, जिनको 40,000 रुपये महीने की लाखों रुपये स्कॉलरशिप प्राप्त करनी है, जिनको एक मोहर लगानी है कि मैं कॉलेज व्याख्याता हूँ, है मैं एक कॉलेज व्याख्याता हूँ, यदि ऐसा भविष्य निर्माण करना चाहते हो तो तुरंत प्लस कोर्स ज्वाइन कर ले, ठीक है। अब मैं बता रहा था कि ये मैंने कैसे रूप किया, क्यों ऐसी क्लास का आयोजन मैं क्यों कर रहा हूँ, आज की क्लास को मत मानो, आज मैं क्वेश्चन कम करा दूंगा, लेकिन मैं ये बिल्कुल आपको क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भी स्टूडेंट धोखे में नहीं, यदि बैच बनता है तो बुधवार से क्रैश कोर्स 20 दिन का चलाऊंगा, नहीं तो वही लॉन्ग जो दिसंबर का टारगेट है वही बैच बुधवार से स्टार्ट हो जाएगा, 2 दिन का टाइमिंग दे रहा हूँ केवल आपको, मैं बस
दो दिन में प्लस कोर्स आज और कल में खरीद लेते हो तो बुधवार से बैच स्टार्ट हो जाएगा आपका, नहीं तो प्लस वाला जो चल रहा है वो ही चलेगा बस। और एक और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे जब ही कराऊंगा, बिल्कुल कंडीशन मेरी, हाँ चाहे इसको कुछ मानो या मत मानो या कंडीशन मान लो, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ही क्रेश कोर्स चलाऊंगा। पहले बोल दूं, मैं क्लियर बोलता हूँ, धोखा आदि कोई झूठ वैसा नहीं है। जो 12 माह का सब्सक्रिप्शन लेंगे, 12 माह का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो ही क्रेश कोर्स मैं स्टार्ट करूँगा। प्लस की बात कर रहा हूँ, मैं प्लस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ही 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो ही 20 दिन का क्रेश कोर्स कराऊंगा बिल्कुल। और 12 महीने का एक बैच बन गया तो मित्रों आपको विश्वास दिलाता हूँ 20 दिन में आपकी नेट जीआरएफ की तैयारी करवाऊंगा। वो आप देख सकते हो कैसे कराऊंगा, आप जानते हो मेरे 25 वर्ष का अनुभव, पढ़ा रहा हूँ, आप जानते हो कि गुप्ता सर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, एक घंटा दो घंटा तीन घंटा कितने भी घंटे की क्लास लेके आ सकता हूँ, कितनी भी करा सकता हूँ, मेरे हाथ में बिल्कुल। प्लस में दो तीन घंटे में पढ़ा सकता हूँ, स्पेशल में दो तीन घंटे पढ़ा सकता हूँ, वाईफाई स्टडी पे मैं एक घंटा दो घंटा पढ़ा सकता हूँ, मतलब कितने भी घंटे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन प्रॉपर बैच बनता है जब, मित्रों जानको प्रॉपर बैच बनता है तो ही मैं ये करने वाला हूँ, अन्यथा बेटा सब कुछ, क्योंकि पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं होगा, प्रॉपर बैच बनेगा तो ही है। यदि पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं चाहते कि हमारा सितंबर में नेट जीआरएफ क्लियर होए तो मेरे को क्या जरूरत पड़ रही है, मेरे को क्या जरूरत पड़ रही है। जो स्टूडेंट मेरा शांति से प्लस कोर्स लेकर के विचार में पढ़ रहे हैं उनके साथ में हूँ मैं, स्पष्ट बोल रहा हूँ बिल्कुल, जिन्होंने 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर के जो मेरे दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं तैयार हूँ बिल्कुल। सीधी सी बात है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो क्रेश कोर्स होगा, साफ सुथरी बात है। अब देख लीजिए कि मैं आपको ये क्यों लेके आया, मैं इसके लिए बोला कि टेस्ट रूपी वन लाइन प्रश्न क्यों लेके आया हूँ वो देख लीजिए, हाँ क्यों लेके आया हूँ मित्रों। कल से मेरा एक ही काम रहेगा, नेट की प्रॉब्लम आज कल में ख़त्म हो जाएगी, जो भी होगी एक दो दिन में हो जाएगी, नहीं होती है मैं रिकॉर्डेड क्लास लेकर के आपको वन लाइनर लेके आऊँगा, कुछ भी हो बस एक दो दिन की समस्या है, उसके बाद में आपके धमाकेदार ऐसी चलेगी युद्ध स्तर पर तैयारी दूंगा बिल्कुल। और ये टेस्ट रूपी क्यों बोल रहा हूँ, इधर देखिए टेस्ट रूपी क्यों बोल रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन कैसे लेके आऊँगा, इधर देखिए मैं आपसे बोला आचार्य साइन के अनुसार वेद की परिभाषा, आपका कमेंट्स तुरंत आ जाना चाहिए, आपका कमेंट्स में आंसर आना चाहिए, हाँ मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, क्यों ऑप्शन देंगे टाइम खराब होगा, टाइम खराब मतलब कम टाइम, मतलब प्रश्न कम होंगे तो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर पहुँचे। मैं आपसे पूछूँगा कैसे, मैं आपसे पूछूंगा रिक का विषय है, पहले मैं रिक का विषय लिखूंगा उसके बाद में मैं शस्त्र लिखूंगा, पहले आपका आंसर देखूंगा। आपसे पूछूंगा यजुस का विषय, इज्जा आंसर आएगा जब आंसर बताऊंगा, साम का विषय स्तुति स्तोम, अतर्व का विषय प्रायश्चित, पहले आपका आंसर आएगा फिर मैं देऊंगा। तो ये आपका टेस्ट रूपी वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपने कभी नहीं सोचा होगा, अरे आज तक ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि सफल होने वाले अलग नहीं होते, वे प्रत्येक कार्य अलग ढंग से करते हैं। मित्रों मेरा सफलता सूत्र है जो पिछले 30 वर्षों से काम में ले रहा हूँ, पिछले 30 वर्षों से काम में ले रहा हूँ मैं इस चीज़ को, और आज मैं आपके सामने जो खड़ा हूँ वो इसीलिए इसी सफलता सूत्र है। आपको बोलूँगा ऋग्वेद का प्रारंभ किससे, आप कहोगे अग्नि सूत्र से, ऋग्वेद का अंत संज्ञान सूत्र, ऋग्वेद के ऋत्विक होता, ऋग्वेद की उपलब्धता का साकल सका, ऋग्वेद के पाठकार साकल्य, आपको ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी। यदि आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स करना जो कल सुबह की स्पेशल क्लास में लेऊंगा, ध्यान रखना धैर्य रखना, मैं कभी भी धोखा नहीं दूंगा, यह देखना मेरे साथ में कोई धोखा होता है ठीक है ना, तो ही संभव है, बाकी कोई धोखा नहीं दूंगा, मेरे में यही रहा, क्योंकि मैं जुड़ने का यही है कि यहाँ पे अनअकैडमी वाईफाई स्टडी प्लेटफॉर्म पे जुड़ने का कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरी शिक्षा को बांटूँ ठीक है मित्रों। तो ये तरीका आपको अच्छा लगा तो मेरे को कमेंट्स करके जरूर लिखना बिल्कुल। सुबह की क्लास आपकी होगी, आज की क्लास कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हो गई थी कि वहाँ पे 24 8
2000 की जगह 2409 पता नहीं कैसे चले गया, क्योंकि पूरी क्लासेज लगा रहे हैं, आठ आठ की लगा रहे हैं, वो पता नहीं कैसे चले गया, ठीक है, कोई टिक हो गया, कर्सर पहुंच गया, कैसे क्या हुआ, इसलिए आपकी क्लास की और टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्लास नहीं हो पाई। लगातार क्लास आपके लिए हुआ तो कल सुबह की क्लास में मेरे को बताना, बाकी कमेंट्स करके आप मेरे को बताना, ठीक है, कि आपको मेरा ये विचार कैसा लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता बिल्कुल जो स्टूडेंट एक साल का सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ रहे हैं उनको पूरा फायदा मिले, और जो 20 दिन का देख लीजिए जो स्टूडेंट कितने एग्जाम का बताया मैंने आपको, एक बिल्कुल आज की क्लास इसीलिए मैंने ली है, ये मान के चलो रिकॉर्डेड क्लास इसीलिए है, क्योंकि प्रॉब्लम यदि नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाए तो मैंने रिकॉर्डेड क्लास इससे पूरी पूछी कि जो मेरे स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं उनको ऐसा नहीं लगे कि गुरुजी आज भी नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई, तो क्योंकि सुबह की क्लास में थोड़ी हो गई थी तो मैं सोच रहा हूँ नहीं हुई। मेरा बेटा कोशिश है, यदि मेरा शरीर ही साथ नहीं देगा ना तो बात अलग है, बाकी हाँ देखो फर्स्ट एग्जाम होगा 16 सितंबर को, एक इसकी तैयारी कराऊंगा 2020 का, पहली तैयारी ये जो मैंने बता दिया, सेकंड तैयारी आपकी दिसंबर 2020, ये एग्जाम हो सकता दिसंबर में, मेरे को संभावना कम लग रही है क्योंकि ये सितंबर में हो गया तो ये 2021 में हो सकता है लग रहा है, ये संभावना मात्र है, मेरा कोई डिसीजन नहीं है, एक संभावना बता रहा हूँ कि क्योंकि ये सितंबर में तो ये दिसंबर मेरे को कम लग रहा, और थर्ड आपका जून वाला और कॉलेज व्याख्या था जून 2021 और आपका कॉलेज व्याख्या था। ये ध्यान रखो, इसमें आप ये सोचो कि मैं 90% जो सिलेबस है इसमें जो 90% नेट जीआरएफ वाला सिलेबस है ना, जो आपका नेट जीआरएफ वाला सिलेबस है, ठीक है ना, उसकी तैयारी पूरी माने, ठीक है, बस यदि सही चला तो जो एक्स्ट्रा सिलेबस है वो भी आपको, संस्कृत का जो 10% एक्स्ट्रा सिलेबस है, ये संस्कृत की बात कर रहा हूँ, कोई गलत मतलब निकाल लेना, ये संस्कृत का 10% एक्स्ट्रा सिलेबस है वो आपको करवा दिया जाएगा। मान लीजिए आपने ये एग्जाम दिया मित्रों, एक नेट का एग्जाम दिया, एक जीआरएफ का एग्जाम दिया, अब मान लीजिए आपका नेट का एग्जाम यहाँ पे क्लियर हो जाता, जीआरएफ नहीं होता, जीआरएफ क्लियर हो गया वापस दीजिए, वापस नेट जीआरएफ का एग्जाम दीजिए, फिर आपका मान लीजिए नेट जीआरएफ क्लियर हो गया, जीआरएफ नहीं हुआ, लास्ट आपका जून का एग्जाम दोगे आप जीआरएफ के लिए, और यहाँ पे आप जीआरएफ क्लियर होंगे, और जो जीआरएफ क्लियर होगा कॉलेज व्याख्याता भी क्लियर होगा, इसलिए केवल 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले, जब भी 20 दिन का क्रेश कोर्स करवाऊंगा, अन्यथा नहीं कराऊंगा, प्लस कोर्स जो चल रहा है वैसा चलता रहेगा, केवल वाईफाई स्टडी और स्पेशल क्लास पे आपको 16 सितंबर 2020 के अनुसार तैयारी कराऊंगा, वहाँ पे कराऊंगा, प्लस वाले का चलता रहेगा, 12 मई का प्लस कोर्स ज्वाइन करना, क्लियर, और कुछ जानकारी मेरे को नहीं देनी है, कैसे करना सब कुछ जानते हो, और एक प्लस के लिए और देख लेना, सीधी सीधी टू द पॉइंट्स बात करने आया हूँ मैं यहाँ पे, बिल्कुल जो क्लास का मेरे क्योंकि आपको अभी भेजना है, क्योंकि टाइम भी हो गया, फिर जाने में टाइम लग जाएगा, इसलिए वही गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऑफ करका सेलेक्ट योर गोल में एनटीए यूजीसी नेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन करना है, एनटीए सब्सक्रिप्शन 12 महीने का लेना है, पैसे की समस्या ऑफिस रिटायर मेरा कोड लगाना है, पैसे की समस्या 12 महीने का लेना है, 10,000 के लगभग 12 किस्तों में ले लेना, 800 के लगभग में मिलेगा फायदा, मैंने बता दिया मित्रों, जय श्री कृष्ण, कल से धमाकेदार एक अलग तरीके से तैयारी लेके आऊंगा, नेटवर्क की प्रॉब्लम मित्रों डेली नहीं देख लिया, दूसरे को अपने विश्वास करके देख लिया, जिसने बोला था मित्रों वो नहीं आया, कोई उसके पास में मशीनें खत्म हो गई तो बोल रहा सर कल लगा के जाऊंगा, हो सका तो आज शाम को लगा दूंगा, तो मित्रों ये हुई तो मैं रिकॉर्डिंग क्लासेस दे दूंगा, लेकिन चिंता मत करना, राधे राधे जय श्री कृष्ण, ईश्वर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, जय राधे राधे मित्रों।